वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू छोटू को ढेर सारा प्यार बड़ों को पेरी पाना जी गाइस। टाइम हो रहा है 12:30 और काम सारा मैंने फटाफट खत्म कर लिया हस्बैंड के जाती और अब मैं नहाने की तैयारी कर रही हूँ। नहा धो के पाठ पूजा होगी। आज है माता रानी का पहला नराता, जय माता दी। और फिर नहा धोकर पाठ पूजा कर अपने दिन की शुरुआत करते हैं और माता रानी आप सब पे कृपा बरसाए और आप सब खुश और तंदुरुस्त रहिए। चलिए गाइस, नहा धोकर रेडी होकर पाठ पूजा करते हुए आपसे मिलती हूँ। पैर को मैंने अपने लिए खिचड़ी बनाई है और बस 2 चम्मच दही डाली है। सुबह का नाश्ता तो हमने ऐसे ही भिंडी के साथ खा ली थी, परांठी वगैरह, तो खिचड़ी विद दही। और यहाँ दूध को उबाला दिलवाया जा रहा है और आरफ के लिए चावल बने हैं, बस प्रेशर निकलने वाला है और उसको चांपे गर्म करके दिए क्योंकि मैं तो चांपे खाऊंगी नहीं, तो आई विल हैव खिचड़ी। और खीरा वो अंदर ले गया भाई साहब। गाइस ये देखिए, ये है आरफ का डिनर, चांप चावल खीरा, और ये है मेरा। और ब्रूनो को हमने कुछ नहीं दिया। पार्टी हमारी आ गई है, हमारा जगेड़ी भी आ गया। मैंने कहा तू अंदर क्यों आ रहा है, बाहर जाके बैठ के रहा, आपसे मिलने। चलो हेलो गाइस से बोल। हेलो गाइस। तो ना डराव ना नहीं, आराम से प्यार से बोलते हैं हेलो गाइस। हेलो गाइस। हेलो गाइस। तो तू तो छुट्टी पे था 3 तारीख से? 10, 11, 12, 13। अच्छा, चलो वो एक ही दिन में पड़ गया ना, तो एक तो गाइस आज मैंने ना रेड टॉप पहना है और उसको मैं बेसिकली नाइट पे पहनती हूँ, बट मुझे ये था कि आज माता रानी का नराता है तो ब्लैक नहीं पहनना। और मेरे पास ना ज्यादातर कपड़े जीन्स टी शर्ट्स शर्ट्स ब्लैक कलर में, और मैं अवॉइड करूंगी कि नरातों में मुझे ब्लैक ना पहनना पड़े। इवन कि मेरे जो सूट्स हैं और जो फ्लेयर्स हैं वो भी ज़्यादातर सब ब्लैक में हैं। अभी सर हम ब्रूनो को पता है कि मैं पढ़ाने जा रही हूँ, देखो मेरे पास आगे कैसे बैठ गया। ये देखिए, देख रहे हो आप इसको, इसको ये हो रहा है कि मैं जाऊँ ना बस मेरे पास बैठ जाए। ये इतना फेथफुल एनिमल है ना, इतना फेथफुल, इतना प्योर करता है ना मेरा डुगू। ये देखो, देख रहे हैं मेरे डुगू को, ये देखो देखो जरा। तो इसको मैंने माता रानी का टीका लगाया हुआ, बुद्धू देखो कितना प्यारा लग रहा है टीका लगा के, टिक्के वाला डॉगी। तो गाइस हमारे बच्चे आ गए, चाय मेरी बन गई है। इस टाइम बड़ा स्लीपी फील होता है खाना खाने के बाद, तो खिचड़ी मैंने थोड़ी नहीं पराठा भर के खा ली थी, तो एक्चुअल में बड़ा स्लीपी फील हो रहा है। तो पटियाला कप चाय का बना लिया, आप जाते हैं पढ़ाने और कोशिश करेंगे टाइम से फ्री हो जाएँ क्योंकि आज है थर्सडे और मंदिर भी जाना है। गाइस टाइम हो रहा है 9:30 9:45 बच्चे गए और अब मैं जा रही हूँ मंदिर बाबा जी के। प्रसाद में क्या लेना अभी कुछ सोचा नहीं, कुछ विचार नहीं किया, जाएंगे देखेंगे जो पसंद आ जाएगा वो ले लेंगे। और मैं गुलाटी जी के वहाँ नहीं जाऊँगी क्योंकि जाम बहुत है आज, नवरात्रास करके ना बहुत ज़्यादा जाम है। तो दूध दही पनीर भी लाना है, सब खत्म हो रहा है तो वो भी लेकर आना है। चलिए जाते हैं, जाके सामान लेकर आते हैं। और दाल मखनी बनानी थी और मैं माँ राजमा भिगाना भूल गई, तो मैं दाल मखनी गली के बाहर से ले आऊँगी आज। तो मैं एक्चुअल में गली के बाहर से ला रही हूँ, उस दिन मैंने घर में इतनी मेहनत से बनाई तो कह रहे तू बाहर से लेकर आई है, आज तो मैं बाहर से ही लेकर आ रही हूँ। तो चलिए पहले मंदिर होकर आती हूँ फिर ढाबे पे जाऊँगी, और मुझे भूख लग रही तो हो सकता है मैं अपने लिए आलू का पराठा ले आऊँ, यू नेवर नो। मंदिर आ गई हूँ और बहुत टाइम से पहुँच गई हूँ, जैसे ही नाथ जी आरती होने वाली है। मंदिर पूरा खाली पड़ा है पता नहीं क्यों, लेकिन मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए साईराम पंडित जी, आज मंदिर इतना खाली खाली क्यों है वीरवार को भी? जय साईनाथ जी। आज बाबा जी भी लाल जोड़े में। इस मंदिर से तो मैं घर आ गई और मैंने ना आते हुए दाल मखनी पैक करा ली थी। अभी टाइम हो रहा है 10:10, तो इतना टाइम लग गया क्योंकि भीड़ बहुत मिली है। और अब आकर रसोई में लगने का तो मेरा कोई इरादा नहीं था। बाकी सुबह के लिए देखूंगी, मेरे हस्बैंड करेले लाए थे, करेले बना लूँगी या शिमला मिर्च पड़ी है, पनीर पड़ा है, चिली पनीर बना लूँगी, वो सुबह देखेंगे। बट फिलहाल जो अभी मैं दाल मखनी लाई हूँ उसको किसी बोल में निकाल लूँ। गाइस ये देखिए दाल मखनी तो ये आ चुकी है, और ये साथ में ना प्याज व्याज पूछ के देते हैं, तो हम तो प्याज खा लेते हैं क्योंकि खेतरी नहीं बेचते, तो प्याज मैं ले आई थी। बस अब जब रोटी बनानी होगी तो बन जाएगी। बाकी चावल मैंने थोड़े और भिगा दिए हैं, थोड़े बने पड़े मुझे कम लग रहे थे, मैंने कहा चलो भिगा ही दो। और ये बर्तन थोड़े से मैं हाथ मार लूँ, पहले कपड़े चेंज करूँ फिर समेटती हूँ।